नारायण दोस्तों, मैं मंजू सती अपने व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ सब कुशल होंगे। मैं भी ठीक हूँ अपने परिवार के साथ। तो सोमवार की सुबह हो चुकी है और आप सभी का दिन शुभ हो। तो मेरे पतिदेव ने कर लिया पूजा, तो आपने मेरे भगवान जी के दर्शन कर लिए। अपने दिन को शुभ कीजिए और अपना कार्य कीजिए, अपनी दिनचर्या को शुरू करिए। आज आपको ना सूर्यदेव के दर्शन कराती हूँ बहुत दिनों बाद, तो करिए सूर्यदेव भगवान जी के दर्शन अच्छी तरह। बिल्कुल जय हो। ये देखिए, बिल्कुल आज हमारे सूर्यदेव घर के आगे विराजमान हैं। अच्छा हो रहा है मौसम, कहीं बादल हैं तो कहीं धूप है। ये देखिए, हवा चल रही है ठंडी ठंडी सी। हमारे फूल भी उड़ रहे हैं। ये करती हूँ दोस्तों नाश्ते पानी का प्रबंध। बच्चे इसको चले गए हैं सुबह और पतिदेव की तैयारी हो रही है। और एक तरफ लगा रखी है मशीन, कपड़े धुल रहे हैं, बहुत सारे कपड़े हैं कल के। ये मशीन लगा रखी है, कपड़े धो रही हूँ और बना रही हूँ खाना। पतिदेव के लिए लंच बनाई है, कटहल की सब्जी। पहली बार कटहल शुरू हो गया, कटहल खाना पहली बार लेके आई हूँ। ये कटहल ठीक है। पतिदेव का नाश्ता देती हूँ उन्हें और उनका लंच पैक करती हूँ ऑफिस के लिए। आगे की दिनचर्या को शुरू करती हूँ, आगे का काम, कपड़े अपड़े धोती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। जो भी होता है दोस्तों आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल अपने पतिदेव को ऑफिस भेजती हूँ उनका लंच वंच पैक करके। सफा नहीं किया, इतने सारे कपड़े धोए। मैंने आपको दिखाया था कि मशीन लगाई थी तो कपड़े वपड़े धो धा के निपट गई। उसके बाद मैंने नाश्ता करा, नाश्ता करके फटाफट मैं सोचे काम निपटा, थोड़ी देर छत में 1 घंटा धूप सेकूँ। तो मैंने कहा दाल वाल बॉयल करने के लिए रख देती हूँ, तो दाल भी चढ़ा दी मैंने। तो दोस्तों भाई यही घर की दिनचर्या है, बाकी कुछ होता है तो आपके यहाँ शेयर करते। फिलहाल छत में चलती हूँ और धूप सेकती हूँ, वहीं पर थोड़ा हरी पालक वगैरह साफ करते हैं, मिलते हैं छत में बैठते हैं, धूप का मजा लेते हैं। अच्छी धूप आ रही है, कपड़े भी पलटने हैं और धूप का मजा भी लेते हैं। और इतना कल जो इतना सारा सामान लेकर आई थी दोस्तों, अभी वो पैक भी करना है, रसोई का रसोई में डालना है, और जो वैसे सामान है वो वैसे रखना है। तो लगे रहती हूँ, थोड़ा बहुत करती हूँ काम धंधा, फिर आपसे मिलती हूँ। बच्चों के आने तक खाना भी रेडी चाहिए, वो भी करना है। लेकिन फिलहाल चलती हूँ धूप में, और थोड़ी पालक है हरी पालक, वही साफ करती हूँ। आ गई हूँ छत में और लेती हूँ धूप का आनंद, और साथ साथ करती हूँ काम भी। 1 घंटा बैठती हूँ, अभी तो कोई आया नहीं, धीरे धीरे आना शुरू होंगे। तो मैंने सोचा तब तक पालक वालक साफ कर लूँ, फिर आपसे गप मारूंगी। लेके आई मैं पालक, हरी पालक, पहाड़ी पालक साफ करती हूँ। थोड़ी मटर भी है, ये भी छीलती हूँ। थोड़ा मूँगफली भी खाती हूँ, अच्छे लगते हैं धूप में मूँगफली खाना, इतनी बची है इनको मैं खा लेती हूँ। ये तो छत में ले रहे हैं धूप का मजा, और साथ में हम लोग आगे। मैं इंतजार कर रही हूँ ना, मैंने बोला भी था अभी कि मैं उन लोगों का इंतजार कर रही हूँ, कोई आए नहीं। तो आगे धीरे धीरे सब लोग अपना काम निपटा के, और देखो जानते राखी जी हैं। जय श्री राम। ये देखिए, जय श्री राम, जय श्री राम। ये तो हमने देखो वंदे मातरम भारत माता। ये देखिए संतरे और साथ में नमक लहसुन का मजे ले रहे हैं। अभी मूंगफली खाई पहले, और अब क्या खा रहे हो? अब हम खा रहे हैं कीनू, कीनू नमक के साथ, पहाड़ी नमक के साथ। मोक्षा को तो पता ही नहीं होगा पहाड़ी नमक क्या होता, हमने इन्हें भी खिला दिया आज। ये भी हमारी बिल्डिंग में रहती हैं, आज पहली बार आ रही है मेरे ब्लॉग में। ये तो खैर 1-2 बार आ गए। हाँ मैं आती रहती है ना। धूप अच्छी आ रही है, मजा आ रहा है ना। देखो कपड़े, ये देखो हाँ। खाते हैं फिर हम लोग, मजे लेते हैं संतरे के, है ना। और हर काम भी हो रहा है साथ साथ, हरी सब्जी साफ कर दी, फिर हम नींबू खाते हैं। इतने नीचे जाने का टाइम हो जाता है खाना वाना बनाने का, थोड़ी देर बैठते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, मौज मस्ती करते हैं, फिर चलते हैं अपने अपने घरों को। नींबू खा दिए बैठे बैठे यहाँ पर, और कहीं सबसे ज्यादा खा रही हूँ। बोलिए देखो आनंद, जवान त्वचा का और जवान चेहरे का, हाँ जो चेहरे की चमक है ना, यही यही है। सिर्फ कीनू की वजह से मेंटेन किया मैंने, लोग कम खा के मेंटेन करते हैं, मैंने खाकर ये कीनू खा के मेंटेन हुआ है। होना भी चाहिए भाई, सिर्फ और सिर्फ कीनू का असर है। गर्मियों में देखो लड़ाई लड़ाई दोस्तों, स्कूल से बाद में आए हैं, ये देखो लड़ाई देखो, स्कूल से आए बाद में है, इतना लड़ते हैं ना ये, बाप रे। ये देखो मेरे जूते क्यों फेंके भाई, जूते तो साइड में रखे थे। लड़ाई देख लो इनकी, स्कूल से आते बाद में लड़ते, पहले आपस में दूसरे मरते हैं ये दो जने। टिम्बू का आदमी गंदी है ना, कपड़े जूते सॉक्स से फेंक के। शूज देखो कैसे पड़े वहां पर, देख। हाँ उठा इनको, देखो इसके शूज देखो, इसका ढंग देखो,
स्कूल से आके ये Manorless. ये इसका तरीका है. क्या हुआ? देखो एक वहां थक गई. कह रहे आज आम बहुत मिला था तो इस चक्कर से लेट भी हो गया आधा घंटा. उसे इंतजार कर करके थक गई. लेट क्यों आए? तो कह रहे इतना जाम मिला मम्मा आज रास्ते में, इतना जाम था रोड में, तो आप जाके घर पहुंचे. और इतनी है देखो ही. ना ऐसे देखो यूनिफॉर्म की केयर इनकी, ना उतारना ना कुछ करना. स्कूल से आगे पढ़ के सो गए दोनों ही. अरे यार चेंज कर जल्दी टीमों, खाना ठंडा हो रहा. ये हाल है इनका दोस्तों. खा लिया मैंने. ये देखो गुन्नू की तो मैंने बहुत. ये हाल है, मैंने खाना खा के सारे बर्तन धो दिए हैं और इन लोगों ने खाना नहीं खाया, इतना सा खाना. और ये हाल है इनका दोस्तों. खाना वाना खा के थोड़ी रेस्ट करा, उसके बाद टिम्मू ने चाय बना के दी. चाय पी, जरा सा बाजार होके आती हूँ, थोड़ा सा कुछ सामान लेके आना है इसी घर का, तो मार्केट जाती हूँ और देखती हूँ, वहीं पर सामान वामान लेके आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ. तो चलो चलते हैं बाजार, देखते हैं बाजार की रौनक होनक और थोड़ा सामान लेके आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ. मार्केट से आ गई घर साग सब्जी लेके. साग सब्जी क्या किनू लेके आई, टिम्मू ने मूंगफली मंगाई थी तो टिम्मू के लिए मूंगफली लेके आई और वो सो गई. खुद आती हूँ फिर इन मूंगफलियों को खाऊंगी. गुन्नू तो पढ़ाई कर रही है अपनी. फिलहाल सब्जी वब्जी का देखते हैं क्या बनती है. कद्दू बनाऊँ या कुछ और बनाऊँ समझ नहीं आ रहा है, देखती हूँ क्या बनाती हूँ. खांसी भी आज ये खाना बनाने की प्रक्रिया करते हैं शुरू. पधिरे तो अभी आए नहीं, 9:15 हो गए, उनका इंतजार कर रही हूँ. और आज मैं सोच रही हूँ कि सब्जी भी रखी हुई है कटहल की, और दिन में मैंने चॉकलेट वाली दाल बनाई थी यानी कि मसूर की, वो भी रखी हुई है. तो मैं सोची क्यों ना आज हमने ना इस बार सर्दी में ना आटे का हलवा नहीं बना के खाया, तो बच्चों की भी फरमाइश दी मम्मा आज ना आटे का हलवा बनाओ. तो पतला पतला आटे का हलवा बनाती हूँ अपने लिए और पतिदेव के लिए. सब्जी भी है, दाल भी है, रोटी सेकूंगी उनके लिए गरम गरम. हम लोग खाते हैं आटे का हलवा, बनाती हूँ उसकी प्रक्रिया को शुरू करती हूँ. आटा भूनती हूँ और मैंने ना दोस्तों गुड़ का पानी रख दिया. चीनी जो ठंडी होती है तो गुड़ का खाएंगे हम, गुड़ गर्म होता है तो गुड़ का हलवा बना के खाते हैं. और बनाती हूँ, बनाने के बाद आपको दिखाऊंगी किस तरह बना है. तो लगती हूँ अपने कार्य में और बच्चों को दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं. देखो कल ना ये गए थे मेसान मॉल, तो इन्होंने ना हमने तो अपने घर का सामान भरा और इन्होंने पता नहीं क्या क्या चीजें भरी है खाने की. इन्होंने अपना बॉक्स सारा अलग भर दिया. ये देखिए, ये देख, ये क्या लेके आई है गुन्नू? क्या है ये? चॉकलेट है. और क्या है? और ये टिम्मू को देखो, दोनों बहनों के काम. और इनका वो दिखाती हूँ आपको अभी बॉक्स भर के. दोस्तों देखो कल ये इनका सामान ही आया हुआ है. ओ माय गॉड, ये देखो, ये कल अपने लिए. मैं कहते रही हमने घर का सामान भरा, इन्होंने ये भरा. ये बढ़िया, ये देखिए, ये देखिए इनका स्टॉक. इन्होंने ना अपने ही रूम में अपने अपने अलमारी में रखा हुआ है ये सारा सामान अलग से भर के. ये और ऐसे खाए जा रहे हैं. और अभी फ्रिज में भी दिखाती हूँ इनकी बोतलें आपको क्या क्या लेके. 4-5 बोतलें थी टिम्मू, 4-5 बोतलें लेके आई थी और अभी इसमें केवल 2 चीजें बची हुई हैं ये. और इन्होंने सारा खत्म कर दिया. ये मंगू मंगू और इसने 3 खत्म कर दिए, 1 बचा है. देखो ये भी कब खत्म हो जाए पता नहीं. दो ये पापा ने ले लिया था. अच्छा, अरे हाँ पापा ने मुझे भी टेस्ट कराया पर मुझे बढ़िया नहीं लगा बिल्कुल. इनका पेट तो आधा ऐसे भर जाता, तो कोई नहीं, मैं बनाती हूँ खाने की प्रक्रिया को शुरू करती हूँ. गरम गरम हलवा, सर्दी में पूरी सर्दी जाने वाली, तो हमने हलवा नहीं खाया, तो आज बना रही हूँ. करती हूँ शुरू प्रक्रिया को, बनाती हूँ. हलवा बन के हो गया रेडी, दिखाती हूँ एक बार आपको. मैंने बना दिया हलवा, इस तरह का हलवा बनाते हैं हम लोग पीने वाला. मतलब सुबह सुबह नहीं बनाते क्योंकि बच्चों को ऐसी पसंद है मेरे, और मैंने बच्चों को दे भी दिया तो मेरे बच्चे बैठ गए दोनों नकथक जैसे. देखो आज बने भी दोनों एक से ही हैं, पिंक पिंक से शुरू हो गए हैं. हलवा खा रहे हैं, रोटी नहीं लोगे बेटा? तो साथ में दाल भी खा रही है. टीवी का मजा लेते हैं.
वो अभी आए नहीं है तो उनके लिए भी मैंने दाल बना गरम करके रख दी, सब्जी वगैरह। जब आएंगे तो रोटी सेकूंगी और मैं सोचूंगी मैं भी गर्मा गर्म खा ही लेती हूँ फिलहाल, फिर ठंडा हो जाएगा। तो खाती हूँ हलवा। आ चुके हैं, अभी भी पहुंच रहे हैं, देखो सही टाइम पर आ गए। मैं रोटी सेकी रही थी, अब बनाती हूँ इनके लिए खाना गर्मा गर्म। फटाफट खाना बनाती हूँ, वगैरह आ गए हैं, दिखा दिया मैंने आपको। कल मिलती हूँ आपको एक नई उमंग, नई तरंग, नई ताजगी के साथ। प्लीज मेरे ब्लॉग को खूब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। जय श्रीमन्नारायण।